सभी दोस्तों को नमस्कार। रेगिस्तान भट्टी की तरह तप रहा है, दो दिन ठंडक पड़ी, वापस कई दिनों से तेज गर्मी का दौर जारी है। इस नाड़ी के अंदर कई पक्षियों की अलग अलग संगीत की तरह टोन आ रही है। के अंदर कई तरह के पक्षी है, सुन सकते हो अलग अलग पक्षियों की टोन आ रही है। देखो ये गिरगिट जा रहा है, यहाँ पर अलग पकड़ का एक पक्षी बैठा है, ये उल्लू, यहाँ पर एक यहाँ पर उल्लू बैठा है। कहते हैं कि तालाब वन्य जीवों का पक्षियों का घर होता है। कितने टिटारी बैठी है इस पानी के किनारे पे, और देखो एक साउंड निकाल रहा है उल्लू। ये दृश्य सीफल नाड़ी चौहटन का है। हर साल की तरह इसके अंदर पानी भी कम बचा है, ज़्यादा गर्मी की वजह से है या कोई अन्य कारण है वो पता नहीं, लेकिन पानी कम है। उल्लू की भी साउंड आ रही है। खूब सारी खेजड़ी उगी हुई है, बड़ी बड़ी विशाल खेजड़ी है। पूरी टिटहरी देखो, इतनी सारी इस तालाब पर टिटहरी होगी कम से कम 200 से 300। सामने कॉर्नर पर दिख रही है वो पूरी टिटहरी है। साल से अब की बार खत्म जल्दी पानी कैसे हो गया नाड़ी का? पानी यहाँ पहले तो यहाँ पानी बहुत होता था, अब क्या हुआ यहाँ हॉस्पिटल बनाए, लोग यहाँ से टंकी भर भर के लेके जा रहे थे स्वास्थ्य केंद्र पर पानी। हाँ, और यहाँ रोडें बनी है, रोडों पे भी टैंकर भर भर के लेके गए। कितनी रोडें बनी? यहाँ जम्बेश्वर नगर करीबन 3 किलोमीटर रोड है। हाँ, और अमेर नगर में बनी है करीबन 3 किलोमीटर। हाँ, और रामदेव नगर करीबन 4 किलोमीटर रोड है, और केरनाडा में 6 किलोमीटर करीबन रोड पे पानी गया है। सभी टैंकरों से यहाँ से भर के लेते हैं। नाड़ी से? यहाँ चिपल नाड़ी से। लोगों को खारा पानी पीने को नहीं है और ये लोग मीठा पानी रोड पे लेके जा रहे हैं। रोजाना कम से कम तो ये 20-25 ट्रैक्टर भर के, ट्रैक्टर की टंकी जाती थी, 20-25 ट्रैक्टर टंकी रोजाना जाती थी, ट्रैक्टर की टंकी रोजाना। लोगों को खारा पीने का नसीब में नहीं हो, यहाँ पर मीठा पानी वो रोडों पे डालते थे। कौन थे यहाँ ले जाने वाले? ठेकेदार थे, पता नहीं कौन है, रोडों का ठेकेदार कौन है। गाँव वाले रोका नहीं? गाँव वाले मिले हुए, क्या रोकेंगे, न किसी प्रशासन ने मना किया, कोई नहीं आया यहाँ, कोई शिकायत? हम लोगों ने, एक दो लोगों ने शिकायत करी थी, वो बोल रहे आपके बाप क्या कहता था, ले जान दो सीधा। ये पर मिली भगत से काम? हाँ होता है, कैसे हर साल से पानी अगली बार जल्दी खत्म हुआ? हाँ जल्दी खत्म हो गया, 4 माह पहले खत्म हो गया, नहीं तो 12 मास में ये पानी रहता ही रहता है, ऊपर से बारिश होती है ये पानी और इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पहले तो पड़ोसी गांव है, कम से कम तकरीबन 15-20 गाँव है, वहाँ के पशु है, पक्षी यहीं के रहने वाले हैं, वो पानी पीते थे। अब ये चिपल नाड़ी में पानी खत्म हो गया, वो तो मर जाएंगे बेचारे, खाने का तो पहले से कुछ खा ही नहीं, शिविर वगैरह तो यहाँ है नहीं, और पानी का सिस्टम था वो भी ये लेके चले गए।